हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज ऑलमोस्ट एक साल बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब व्लॉगिंग करना मेरा एक पैशन है, बट अगर आप वो चीज़ एक टाइम तक ना कर पाओ तो आपको थोड़ा बुरा लगता है ना। वैसे ही मेरे साथ हुआ है ना। लास्ट एक साल मैं इतना बिजी रहा, आई वॉज वेरी मच बिजी इन माई पर्सनल लाइफ, माई प्रोफेशनल लाइफ, कि यार मैं अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा था। तो फाइनली आई थॉट कि यार चलो उस नॉर्मल लाइफ से थोड़ा बाहर जाते हैं, वही चीज़ करते हैं जो अपने को अच्छी लगती है ना। तो इधर उधर की कहानियाँ ना करते हुए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मैं इस टाइम अभी कपूरथला में हूँ। अब आप पूछोगे मैं कपूरथला कैसे गया, क्यों गया। एक्चुअल में मेरी प्रमोशन हो गई थी। सबसे पहले मैं अम्बाला सिटी ब्रांच में था, वहाँ से मैं प्रमोट हो गया। प्रमोट होकर मुझे जलंधर रीजन भेज दिया, जलंधर रीजन से मुझे कपूरथला भेज दिया गया। एंड कपूरथला भी एक सिटी है, पंजाब की है, पंजाब में आती है, तो काफ़ी अच्छी सिटी है। एंड अभी इस टाइम मैं रुका हूँ रमणीक होटल के अंदर। तो चलो सबसे पहले मैं आपको अपने होटल का टूर दे देता हूँ। तो भाई ये है हमारे होटल के एंट्रेंस डोर, एंड यहाँ साइड में लगी हुई है अलमीरा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। मैंने भी यहाँ पर अपने बैग वगैरह रखे हुए हैं। साइड में हमें एक छोटा सा फ्रिज दे रखा है, हमारा है वॉशरूम। तो गाइस ये है मेरा यहाँ का बेडरूम जहाँ पर डबल बेड लगा हुआ है, साथ में चार्जिंग स्लॉट्स है, यहाँ पर एसी लग रहा है, ये टीवी है, और यहाँ पे बैठने के लिए सोफ़ा वगैरह दे रखा है। चलो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। बाहर बारिश हो रही है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, एंड ये पूरा कुछ रूम अगर मैं आपको छोटा करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का। तो गाइस इस होटल में मुझे ऑलमोस्ट 3 डेज हो गए हैं रुके हुए। एंड अगर मैं इस होटल के रिव्यू की बात करूँ तो यार ये होटल सो है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा है, बट ये है कि अगर आप प्रॉपर कपूरथला में रहना चाहते हो कि कनेक्टिविटी आपको मिल जाए आसपास की, आपको इजीली बसेस मिल जाए, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप इस होटल में रुक सकते हो। एंड खाने की अगर मैं बात करूँ तो खाना यहाँ का ठीक है, मतलब अच्छा है। नॉनवेज तो जो मैंने ट्राई किया, मैंने चिकन फ्राइड राइस खाया था यहाँ का, वो ज़बरदस्त है। ब्रेकफास्ट में मैंने सैंडविच खा चुका हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी है, लिटरली सैंडविच बहुत टेस्टी है यहाँ के। एंड ओवरऑल अगर मुझे मार्क्स देने 10 में से मैं 7 दूंगा, जस्ट बिकॉज कि यहाँ का जो दरवाजे वगैरह हैं वो थोड़े मतलब पुराने से लगे मुझे, मतलब हैंडल वैंडल काफ़ी पुराने लगे, जो मुझे लगता है अगर आप एक होटल चला रहे हैं तो आपको मतलब ये रेनोवेट वगैरह करके रखना चाहिए। प्लस सर्विस के मामले में ठीक है, मतलब अगर मैं किसी को बुलाता हूँ तो 2 मिनट के अंदर आ जाता है वो, ऐसा नहीं है। अगर मैंने किसी को बुलाया तो नहीं आया तो अब तक, तो मेरा सर्विस के मामले में मुझे ठीक लगा ये। हाँ बस थोड़ा सा यही है जो डोर्स वगैरह हैं वो इतने मतलब अच्छे नहीं है, एज़ बेड काफ़ी कंफर्टेबल है, खाना अच्छा है, मार्केट के पास लगा हुआ है, तो अगर आप रुकना चाहते हो 1-2 दिन के लिए आप रुक सकते हो। एंड ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है कि मैं अम्बाला से आया हूँ, एंड मेरी फैमिली अम्बाला में, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बट मोस्ट प्रोबेबली शनिवार को मैं अपने घर जाऊँगा, उनसे मिलूँगा। एक्चुअल में मेरी यहाँ ट्रांसफ़र हो रखी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी प्रमोशन हुई है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। एंड काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब मैं सोच के आया था कि यार पंजाब इतना अच्छा नहीं होगा, बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे पंजाब बहुत अच्छा लगा। लिटरली मैं जैसे मतलब यहाँ के लोग काफ़ी स्वीट हैं, मतलब जहाँ पे मेरी लोकेशन है वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। आप किसी से मदद मांगो तो मदद कर देते हैं, मतलब वैसे जैसे नॉर्मल हरियाणा के लोग हैं वैसे यहाँ पंजाब के लोग हैं, तो ठीक है अगर आप पंजाब आओ तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके, ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सो थोड़ी सी आज मुझे क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड से नहीं है कि एक्चुअली मैं एक होता है ना बंदा रिदम में बात करता है, एक होता है 1 साल बाद आप दोबारा से स्टार्ट करते हो, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आज की वीडियो आपको थोड़ी बोरिंग सी लगी हो। ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए इस टाइम मेरे पास है नहीं, बट जस्ट मेरा मूड हो गया था दिखाने का, तो मैंने ये वीडियो बना ली जस्ट टू से आई एम बैक। मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। एंड काफ़ी मतलब चैलेंजिंग टाइम भी रहा है मेरा पिछले कुछ टाइम से, जब से मेरी मतलब प्रमोशन हुई है, क्योंकि उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र होगी। देन ट्रांसफ़र में आपको पता ही है इतना आसान नहीं होता यार, पहले खोज जाओ वहाँ जाके सेटिंग करो। अभी भी मेरी सेटिंग नहीं हुई, अभी मैं होटल में रुका, अभी मैं सर्च कर रहा हूँ रूम। यार अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर कपूरथला से है तो यार मुझे गाइड करो यार, कहाँ रह सकते हैं कपूरथला में। आई एम स्टिल सर्चिंग। एंड बस यार ऐसे ही प्यार बनाए रखो, मेरी वीडियो देखते रहो। और यार बाहर इतनी बारिश हो रही है, मुझे लग रहा है कहीं यहाँ भी फ्लड ना आ जाए, बिकॉज अम्बाला में जैसे आपको पता ही है रिसेंट में फ्लड आया था, और जिस दिन फ्लड आया मैं उसी दिन यहाँ पर आया हूँ। सो आप सोच सकते हो मुझे कैसा लगा होगा कि वहाँ मेरी वाइफ अकेली है एंड देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर हर। सो मैं आई और ऐसी सिचुएशन थी कि जगह जगह पानी था,
एंड आप घर भी नहीं जा सकते, और क्योंकि मेरी अभी रिसेंट में ट्रांसफ़र हुई है तो यार थोड़ा बहुत छुट्टी वुट्टी का भी चक्कर होता है, तो बस ये चक्कर था। बट चलो जो है सो है, बस यहाँ पर भी सुनने में आ रहा है कि पंजाब में ही फ्लड के चांसेस हैं, एंड अभी बाहर बारिश आ रही है। आई होप यहाँ पे फ्लड ना आए, बिकॉज फ्लड आया तो मैं फंस जाऊँगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता फंसना। एंड बस ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, और मेरी कोशिश रहेगी कि अब से रेगुलर वीडियोज़ आपको देखने को मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।